और इस टाइप से थ्रोटल देना पड़ता है कि बड़ एकदम से ना हो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं कम गियर में ज़्यादा रेस पे नहीं चलाता, मैं गियर बहुत ज़्यादा डाल देता हूँ जिससे धीरे धीरे बाइक उठती है। और अभी देखो इधर रेड लाइट है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आज भी जल्दी उठ गया हूँ। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, एक दिन मैं जल्दी उठा नहीं कि भाई मेरे पूरे दिन मेरे को शरीर में आलस रहा था और मेरी हालत खराब रही थी, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे को गंदी आदत लग जाए। तो मैं अब सुबह जल्दी उठने वाले रूटीन को थोड़ा सा देखता हूँ, अगर कंटिन्यू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, तो बाहर चलते हैं, रनिंग करते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं। तो मैंने साइकिल निकाल लिया, अब चलते हैं फटाफट। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है इतने दिनों बाद ऐसे देखना, वरना लेट ही लेट उठ रहा था मैं 8 बजे 9 बजे। बर्ड्स की चर्पिंग सुबह सुबह। सो गाइज हम पहुंच गए हैं और आप ये देखो। सो गाइज रनिंग और एक्सरसाइज हो चुकी है और पसीने मजा आ गया भाई। मैं खा रहा हूँ पोहा, मम्मी ने पोहा बनाया हुआ है, मैं फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ। मैं सो के उठ चुका हूँ, नाश्ता करने के बाद मैं सो गया था, अब थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है मेरे को और धीरे धीरे आदत बनी जानी है, ऑब्वियस सी बात है। अभी फिलहाल मैं साइकिल निकाल के थोड़ी सी साइकिलिंग करने बाहर जा रहा हूँ। लाओ बेटा। सो गाइज हमारे घर आई है आलू पूरी और हलवा, भंडारा करवाया था मोनू चाचा ने, चाची ने हलवा पूरी सब्जी भेजी है। सब्जी पूरी आती है मम्मी तो हो गई शुरू, और मैं नहीं खाऊंगा इसे क्योंकि सब्जी में दही है, ठीक है। और देख रहे हो सब्जी पूरी आते ही ये भी आ गया, इसलिए बुला रहे हैं। प्रसाद तो ठीक हो, खा रहे खा ले खा ले, अब ये नोटिंग की मत कर, खा ले। अब आ गया तो खाऊंगा। चलो इन्हें छोड़ो, हम चलते हैं बाहर। तो चलो मोती तो गाइज वॉलीबॉल खेल के आने के बाद मैं जस्ट बैठा ही था, और आज मैंने व्लॉग डाला है कि कितना हरामी कुत्ता है जो अपनी बाइक के पीछे भागता है, तो मैंने आज वो व्लॉग डाला है। तो मैं बैठ के आगे ऐसे ही रैंडमली चेक कर रहा था कि कितने व्यूज आ गए, क्या चल रहा है, और उस व्लॉग पे एक बहुत ही प्यारी कमेंट आई हुई है जिसने मेरा दिन बना दिया भाई, इतनी सुंदर कमेंट है। तो उन भाई ने बोला है कि भाई मैं रैंडमली ऐसी तेरी वीडियो देख रहा था, और तेरी वीडियो देखते देखते ना मैंने तेरे सब्सक्राइबर देखे ना मैंने तेरे व्यूज देखे, और बाद में जब मेरी नज़र सब्सक्राइबर और व्यूज से पड़ी तो मैं शॉक्ड हो गया लिटरली कि इतने कम व्यूज और इतने कम सब्सक्राइबर कैसे हैं। तो एटलीस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर डिजर्व करता है, और फेमस होने के बाद मुझे भूल मत जाना भाई, इतनी प्यारी कमेंट। भाई अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो भाई दिल से थैंक यू सो मच, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा तो व्यूज इतने ज्यादा मैटर नहीं करते इस कमेंट के सामने। आपने जो कमेंट किया ना भाई, बहुत ही प्यारा कमेंट था। ऐसी कमेंट्स देख के ना और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है जब ऐसी अप्रिशिएशन हमें दिखती है जो क्रिएटर्स होते हैं। और अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी हम फैमिली बनाएंगे अपने सब्सक्राइबर की। अभी फिलहाल हमें जाना है बाइक लेके बाहर। अगर आपने पिछले ब्लॉग में देखा हो तो मेरा जो फ्यूल का मीटर है, फ्यूल बिल्कुल कम है बाइक में, तो अभी अपने बाइक में पेट्रोल डलवाने जाना है। तो बाहर थोड़ी आप लोगों से बातचीत भी कर लूंगा और बाइक भी चला लूंगा, आज मैंने पूरे दिन बाइक नहीं चलाई है। 8 बजने वाले हैं, इससे लेट हुआ तो घर वाले जाने नहीं देंगे, तो फटाफट निकलते हैं बाइक लेके। निकाल लिए, पेट्रोल डलवाने चलते हैं फटाफट। So we are ready. Let's go. मैं ना रेयरली गांव के बीच से निकल के आता हूँ, मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आज मैं आया हूँ निकल के और मजा आ रहा है। सब देख रहे हैं, भीड़ लग रही है।
जो ट्रैफिक वाले हैं ये रे। भाई साहब ट्रैफिक वाले खड़े थे, वैसे मैंने इतनी तेज खींच नहीं रखी कि वो मेरे को रोकें। ये मीठी मीठी बुलेट जैसी साउंड आ रही है, जब बहुत ज़्यादा थ्रोटल दूंगा बहुत ज़्यादा रेस दूंगा उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाती है। ओए तो कैसे मोड़ रहा है भाई, ये रहा राइट में पेट्रोल पंप और अभी दो डंडे हैं तो काम करते हैं एक चक्कर लगाने चलते हैं आगे नजफगढ़ साइड। भाई एग्जॉस्ट की आवाज़ इतनी प्यारी लगती है ना मुझे कि मैं कितनी भी लंबी बाइक चला सकता हूँ, और इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है लोगों को ध्यान अट्रैक्ट करती है बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिलहाल हम काफ़ी आगे आ चुके हैं तो मुझे लग रहा है मुझे वापस घुमा लेनी चाहिए। यार हेलमेट का शीशा आपको तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है तो मुझे ये ध्यान रखनी चाहिए चीज़ें, शीशा क्लीन रखना चाहिए। सो अगली बार हेलमेट पहनने से पहले मैं इसका शीशा याद से क्लीन कर लूँगा वरना दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना इसमें मिस्ट हो रखी है, धूल हो रखी है। आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, अभी डलवाते हैं तेल। लगा लो भाई। हाँ भाई ये रहा। हाँ कैमरा चालू यार। ये रहा भाई ये रहा। भाई कुछ नहीं है मेरे पास यार। सो भाई पेट्रोल पंप वालों से पेन मांग रहा है ताकि अपने चैनल का नाम लिख सके याद से। पसंद होती है यार बाइक तो सबको पसंद होती है, बाइक और कार्स का क्रेज हर लौंडे को होता है। सो भाई ने पेन ले लिया। भाई अपन भी ऐसे ही है, मेरे को अगर कोई ऐसा बंदा मिलेगा जिसके पास ZX9R होगी Z900 होगी मैं भी पक्का उसका चैनल लिखूंगा क्योंकि मेरे को बड़ा पसंद है। सो भाई लिख रहा है। तेल डालिए। हाँ ये वीडियो डालूंगा भाई, पक्का डालूंगा भाई। क्या नाम है? आर्यन। भाई पक्का आएगा आपका फेस। देना स्कैनर देना भाई। पेट्रोल डल गया, पेमेंट भी हो गई है। ठीक है ओके भाई। सो आर्यन भाई आप जरूर आओगे इस ब्लॉग में और पसंद आया हो तो लाइक कर देना भाई, बाकी मज़ा आता है यार, अप्रिसिएशन मिलती ही मज़ा आता है। आप बोलोगे हर बार एक ही चीज़, लेकिन भाई दिल से बड़ा प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना डेली बेसिस पे, आपको पता है कि मैं डेली ब्लॉग डालता हूँ, जो डेली बेसिस पे मेहनत चल रही है ऐसा लगता है कि वसूल हो गई, फुल ऑन वसूल हो गई। अब थोड़ी सी आराम से चला लेते हैं, बहुत कैचली ट्रैफिक वाले आने वाले। ओहो ये पुलिस स्टेशन है लेफ्ट में, छावला थाना। सो गाइस हम आ गए हैं गांव में और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं डेली व्लॉग बना रहा हूँ ना तो उसको ज़्यादा लंबा ना खींचूँ, लाइक 8 से ऊपर ऊपर की 8 मिनट से कम नहीं होगी वीडियो और 15 से ज़्यादा ना हो। अब वो डिपेंड करता है कि मेरा दिन कैसा जा रहा है उस हिसाब से मैं रखता हूँ, पर हाँ ज़्यादा लंबा नहीं रखता हूँ क्योंकि डेली अगर बन रही है तो। ये रहा मोती, उछलता कूदता यहीं तक आ जाता है। आ गए हैं घर, अब बाइक कर लेते हैं अंदर। सो गाइस अब आ गए हैं घर और आज का दिन अपना काफी ज्यादा प्यारा रहा, तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आया हो तो कमेंट से बताना और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इस व्लॉग को मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही, तो बाय बाय टेक केयर, लव यू।